हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी फेसबुक आईडी का स्टाइलिश नाम कैसे कर सकते हैं, अपनी फेसबुक आईडी को स्टाइलिश नाम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फेसबुक स्टाइलिश नाम कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी साइट ओपन हो जाएंगी, तो इसमें से आपको एक एक साइट चेक करके देख लेनी है कि फेसबुक नाम चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ पे तो ये स्टाइलिश नाम आ गए हैं काफ़ी सारे। अगर स्टाइलिश नाम करना चाहते हैं यहाँ पे जो फेसबुक के खुद के हैं, तो वो यहाँ से आप कॉपी करके रख सकते हैं और उनको डाल सकते हैं। तो वैसे ही काफ़ी सारी वो आ जाएंगी यहाँ पे साइट, एक एक करके खोल के देख लेना है आपको। ठीक है, स्टाइलिश नाम फॉन्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये प्लीज एंटर योर नाम। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिख देना है जिस नाम से आपको आईडी बनानी है। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे नहीं बना, मेरे एक दोस्त की आईडी है, उसको मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी स्टाइल्स में मेरा ये नाम आ गया है। तो यहाँ से जो भी नाम आपको अच्छा लगे उस नाम को आप कॉपी कर सकते हैं। तो फाइनल मैं यहाँ से कोई एक नाम कॉपी कर लूँगा। काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और अगर आपको इसमें से भी पसंद नहीं आए तो आप नीचे वाली साइट पर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, हर साइट पर आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। और फिर नीचे वाली साइट पर भी काफ़ी सारे साइट दी गई हैं, मतलब कि ये नहीं है कि अगर आपको एक ही साइट में से चूज़ करना है। यहाँ पर काफ़ी सारी साइटें दी गई हैं जिसमें आप अपना नाम डाल के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे डाल देंगे, मैं डाल देता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे नाम पसंद नहीं आया था। तो देखिए नाम डाल चुका है। अब नीचे देखेंगे कि आप यहाँ पे काफ़ी सारे और स्टाइल आ गए हैं जिसमें से मैं डाल सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ। इसी नाम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस नाम को कॉपी करने के बाद सिलेक्ट ऑल कॉपी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जिस आईडी का नाम चेंज करना है उस आईडी में चले जाना है, उसे यूजी मिनी या यूजी ब्राउजर में ऑन कर लेना है। तो मैंने यूजी मिनी में ऑन कर ली है पहले से ही। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी फेसबुक की लास्ट में चले जाना है और यहाँ पे सेटिंग प्राइवेसी पे क्लिक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर ओके कर देना है। और यहाँ से आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको वो नाम जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपको सिंपल इसको हटा देना है, मतलब सरनेम हटा देना है और यहाँ पे अपना नेम हटा देना है, सरनेम छोड़ देना है सुनने में। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये देखेंगे कि आप, मैंने नाम पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम चेंज का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे दो तरीके गए हैं, शर्मा विष्णु या विष्णु शर्मा, तो दोनों जगह स्टाइलिश में आ गया। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के शेप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड कोड डालूँगा क्योंकि
चलो मैं आपको डाल के ही दिखा देता हूँ अपना पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ इसके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और ये देखेंगे कि अब मेरी आईडी का नाम स्टाइलिश हो चुका है। तो अभी मैं आपको प्रोफाइल में भी जाके दिखा देता हूँ अपनी। तो ये देखिए मेरी प्रोफाइल में भी मेरा नाम स्टाइलिश हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।